नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। बीजेपी के खिलाफ बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी, यूपी बिहार से होगा सफाया। ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को एससी का नोटिस, सीजेआई बोले विस्तृत सुनवाई की जरूरत। प्रयागराज कुंभ में सिलेंडर फटने से लगी आग, दिगंबर अखाड़े के दर्जन भर टेंट खाक। जेएनयू देश विरोधी नारेबाजी केस में चार्जशीट दाखिल, कोर्ट कल करेगा फैसला। एजेंसियों को मिले कंप्यूटरों की जांच के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल रात से लखनऊ की राजनीति को गरमा दिया है। बसपा सुप्रीमो के काफी देर तक भेंट करने के बाद वो आज दिन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच गठबंधन के लिए मैं तहे दिल से अखिलेश यादव और मायावती जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है। संविधान विरोधी पार्टी का लोकसभा चुनाव में अब तो उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार से भी सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मुठभेड़ों के नाम पर की गई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कहते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। मंगलवार से प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ में बड़ा हादसा हो गया है। सोमवार सुबह यहां स्थित दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई। आग इतनी बड़ी थी कि अचानक ही दर्जन भर टेंट में फैल गई। आग फैलने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों की माने तो आग पर काबू पा लिया गया है। चश्मदीदों की माने तो सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण ये आग लगी है। आपको बता दें, मंगलवार को प्रयागराज कुंभ में पहला शाही स्नान होना है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देश विरोधी नारेबाजी केस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और निबाण भट्टाचार्य समेत 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में शहला रशीद और सांसद डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का नाम भी शामिल है। अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर मंगलवार को फैसला करेगा। इस मामले के 3 साल बाद दाखिल हुए चार्जशीट में कहा गया है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे 7 कश्मीरी छात्रों ने लगाए गए थे। इसमें कहा गया है कि उमर खालिद इस सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसे कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में भी बुलाया गया था। इस पर आईपीसी की धारा 124A, 147, 139 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 10 एजेंसियों को अनुमति देने वाली सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को सोमवार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से 6 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए न्यायालय ने याचिका दायर की गई थी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत केंद्र की 10 जांच एवं जासूसी एजेंसियों को कंप्यूटरों को इंटरसेप्ट करने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश संजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कोहली की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
कुंभ में कल यानी मंगलवार को तड़के से ही पहले शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने एक दिन पहले ही घाटों को तैयार कर लिया है। सोमवार को मेला क्षेत्र में यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। वहीं स्नान पर्व को देखते हुए प्रयागराज में 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी 12वीं तक स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। जिलाधिकारियों ने कॉलेज को इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। यह पहला मौका होगा जब किसी केंद्रीय मंत्री को अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर बनाया गया है। कुंभ मेले में साधु संतों को महामंडलेश्वर महंत श्री महंत बनाए जाने की परंपरा रही है। अखाड़ा कुंभ में नागा साधु भी बनते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।